इस दुनिया में कहां कहां पे कैसी कैसी भूतिया घटनाएं घट जाती है ना, कई बार तो हम इमेजिन भी नहीं कर पाते। घरों में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सुनसान सड़कों में, हर जगह भूतिया घटनाएं घट जाती है। आज की ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं, जिसमें हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कि एक पेट्रोल पंप में कैसे भूतिया घटना घट गई। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो है इंस्टाग्राम में हमें गंदीप ने लिखकर भेजा है। किसके साथ घटी, कैसे घटी, कब घटी, क्या हुआ इसमें, सब कुछ जी आज आप लोगों को अपनी जुबानी बताए कि तुझे स्टार्टिंग से बताओ कि क्या था भाई। हाँ, ये जो गगनदीप ने स्टोरी लिख के भेजा है वो उसके पहचान के एक लड़के के साथ घटना घटी है, लेकिन उसने उस लड़के का नाम नहीं बताया। तो उस लड़के का नाम सबसे पहले हम लोग रख देते हैं, करण नाम रख देते हैं, स्टोरी बताने में थोड़ा इजी रहेगा। तो जो ये करण नाम का लड़का है, ये एक मतलब अपने गांव से दूर एक गांव में पेट्रोल पंप था, वहां पे काम करता था। उसकी रोज की लाइफ वही थी कि सुबह जाना है पेट्रोल पंप पे, शाम को 8 बजे तक वहां से निकल जाना है काम करके। तो उसने जो अपना कमरा था जो रहने के लिए, वो भी पेट्रोल पंप के थोड़े ही दूर पे, मतलब यही 500-600 मीटर इतने दूर पे एक कमरा लेके रखा था कि वहीं पे मैं रहूंगा और अपने काम के लिए रोज पेट्रोल पंप पे आ जाया करूंगा। तो उसकी लाइफस्टाइल मस्त ऐसे ही चल रही थी बहुत टाइम से, उसको काम करते हुए 1-2 साल वहां पे हो गए थे, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। लेकिन एक दिन वो अपने पेट्रोल पंप से यही 7:30-8 बजे करीब निकलता है वहां से, और पेट्रोल पंप के कुछ ही दूर पे, मतलब यही 100-150 मीटर इतनी दूर पे निकला था और वहां पे आया था, उसको एक लड़की दिखाई देती है जो उसको देख के बहुत ही स्माइल कर रही थी। उसको समझ में नहीं आता है कि मतलब कोई रैंडम लड़की मुझे देख के स्माइल क्यों कर रही है, मैं भी उसको नहीं जानता, वो भी मुझे नहीं जानती, और गांव के लड़कियों से बात करने की हिम्मत नहीं होती है लड़कों में, क्योंकि गांव के लोग पीट देते हैं आगे अगर लड़कियों से बात करो तो, बात करने पे पीट। हाँ, तो गांव के लोग पीट देते हैं ना कि हमारे घर की लड़की से कैसे बात कर लिया किसी लड़के ने। तो ऐसा कुछ होता है गांव में, तो सोचता है कि स्माइल कर रही है लेकिन मैं उससे बात करने नहीं जाऊंगा, डर तो रहता है ना, ये दूसरे गांव का लड़का और एक दूसरे गांव में आया है, ऊपर से लड़की उसको भाव दे रही है, तो नहीं भाव देता है, चुपचाप चला जाता है। दूसरे दिन आता है, दूसरे दिन पूरा दिन काम करता है, वापस से 8 बजे करीब निकलता है अपने पेट्रोल पंप के बाहर, तो सेम जगह पे वो लड़की खड़ी थी और उसको स्माइल कर रही थी और हाय कर रही थी। उसको समझ में नहीं आता है कि यार मैं बात करूं नहीं करूं, क्या करूं, मतलब लड़की मुझे बहुत ज्यादा भाव दे रही है। तो वो सोचता है कि छोड़ो यार, जो होगा आगे देखा जाएगा, बात करके देखता हूं क्या प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे स्माइल क्यों कर रही, जानती है क्या मुझे, ऐसा बात करूं तो पता चलेगा जानती है कि नहीं जानती है। तो वो जाता है लड़की, पहले फोन बंद कर दो अपना, बहुत टुंग टुंग हो रहा है। तो वो जाता है लड़की से बात करने के लिए, उसको हाय हेलो करता है, तो वो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम भी उसने नहीं बताया है लेकिन उसका नाम हम प्रिया रख देते हैं। तो वो लड़की अपना नाम प्रिया बताती है कि मैं यहीं सामने ही गांव में, वो कुछ दूर जाके मेरा एक घर है वहां पे मैं रहती हूँ, वो लड़की उस लड़के को बताती है करण को। तो ऐसे दोनों में नॉर्मली थोड़ी बहुत बात होती है और उसके बाद बाय बोल के अपने अपने घर चले जाते हैं, इसका घर तो नज़दीक ही था करण का। उसके बाद जब ये तीसरे दिन आता है पेट्रोल पंप पे काम करने के लिए, वापस से रात में जाता है, तो वापस से वो लड़की उसको वहीं पे दिखाई देती है। वो सोचता है कि, और फिर से उसको हाय करके बुलाती है, बोलती है इधर आना, फिर उससे बात करती है, ऐसे बात करते करते मतलब दोनों की दोस्ती हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि दोनों दूसरे को पसंद करने लगे, वैसी वाली दोस्ती हो जाती है। तो वो लड़की से पूछता है कि तुम्हारा कोई नंबर है क्या, तो बोलती है नहीं एक्चुअली मैं फोन नहीं चलाती, मेरे पास फोन नहीं है। तो वो बोलता है, सोचता है कि शायद हो सकता है गाँव की लड़कियों के पास बहुत लोग फोन नहीं भी देते, तो इसके पास इसलिए नहीं होगा। तो वो उससे बात करता है, बोलता है ठीक है तुम मुझे यहीं पे मिलना, एक्चुअली मेरा घर भी यहीं पे पास में ही है। करण बोलता है तुम चाहो तो मेरे रूम पे भी कभी आ सकती हो मिलने के लिए। तो वो लड़की बोलती है हाँ ठीक है मैं कल मिलने आऊंगी, तो तुम्हारे रूम पे पक्का चलूंगी। तो आज जो दिन था, जिस दिन करण के घर पे जाने वाले थे, अगले दिन जब वो लड़की आने वाली थी, उस दिन करण बहुत ज्यादा खुश था, सोच रहा था वाओ यार एक लड़की मेरे घर पे आने वाली है, इतने टाइम बाद, मतलब यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कोई लड़कियां भाव तक नहीं देती हैं और कोई मुझसे बात तक नहीं करती है, और एक लड़की सुंदर अच्छी खासी दिखने वाली आज मेरे रूम पे आने वाली है। तो रूम वूम को अच्छे सजा के रखा था, मस्त सेट करके, जो भी बैचलर वाली चीजें थी बैचलर वाली चीजें हटा देता है, और साफ सुथरा नहा हुआ के अच्छे से परफ्यूम लगा के रेडी होता है कि वो लड़की मुझसे मिलने आएगी। वो घर बता के रखा था कि मैं यहीं पे इसी कमरे में रहता हूँ। जो दिन आज आया उस दिन वो लड़की उससे मिलने आई उस रूम में, और रूम में मिलने आने के बाद उनकी दोस्ती उसकी प्यार वर्म का बढ़ जाता है, मतलब दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है, रोज मिलने आने लगती है लड़की, वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश रहने लगता है,
जो इतने टाइम से गम में था लड़का कि मतलब एक गांव में आ गया हूँ, यहाँ पे मेरा कोई दोस्त भी है, लड़के लोग हैं, बाकी कोई लड़के से बात तक नहीं करता हूँ, फैमिली से दूर रहता हूँ, लेकिन अभी वो ज्यादा खुश रहने लगा। लव स्टोरी जैसी हो गई। हाँ, लव स्टोरी जैसी है। वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था। जो इसके दोस्त थे साथ में काम करने वाले, वो पूछते हैं आजकल तो बहुत खुश रहने लगा है, क्या हो गया, मतलब क्या बात हो गई? तो बोलता है कि ऐसे ही यार, तो बहुत उसको टोचा वोचा मारते, बताना क्या हो गया, ऐसे बोलते ना सब, बताना क्या हो गया, लड़के लोग पूछते हैं उससे करण से। तो फाइनली अब बता देता है कि मेरी ना एक लड़की गर्लफ्रेंड बन गई है। तो बोलते कहाँ की लड़की? वो लड़के उसी गांव के रहने वाले थे। तो बोलता है कि यहीं पे पास में ही रहती है। लड़के सोचते हमको क्या करना है, किसी घर की होगी, जिसके घर की होगी। तो बोलते हैं लड़के लोग कि तू भाभी से कब मिला रहा है? तो बोलता है पता नहीं यार, मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं हूँ, मैं उससे बात करूंगा, अगर वो बोलेगी मिलने के लिए तो मैं तुम लोग को मिलाऊंगा। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, चल बाद में मिल लेंगे, फोटो दिखा दे भाभी की। तो बोलता है करण की फोटो तो मैंने कभी नहीं निकाला उसके। तो बोलते हैं लड़के लोग कि काम कर, आज जब मिलने जाएगा ना तो उससे, तो उसकी फोटो निकाल लेना। तो फिर करण बोलता है ठीक है, मैं तुम लोगों को फोटो दिखाऊंगा निकाल के। तो आज के दिन जब वो लड़की उससे मिलने आती है तो वो उसकी फोटो निकालने जाता है। तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। बोलती है तुम मेरी फोटो क्यों निकाल रहे हो? तो बोलते हैं कि अपने दोस्तों को दिखाना है, मतलब बोल रहे थे कि तुमको दिखाऊं तुम्हारी फोटो, या तो तुम नई फोटो नहीं चाहते निकालना तो मैं एक दिन मिल लो मेरे दोस्तों से। बोल रहे थे भाभी से मिला कब रहे हो, भाभी से कब मिला रहे हो, वैसे से बात कर रहे हैं। तो बोलती है कि आज के बाद तुम पहली बात मेरी कभी फोटो निकालना मत, और मैं तुम्हारे किसी भी दोस्त से नहीं मिलने वाली। एकदम भड़क गई, एकदम गुस्से में आ गई। सोचता है कि हो सकता है गांव की लड़की है, फोटो निकालने से इसको गुस्सा आ गया होगा। गांव की लड़कियां होती है ना बहुत सारी, कि हमारी फोटो मत निकालो, हमको पब्लिकली इतना नहीं रहना है। तो उसको लगता है शायद हो सकता है उसका भी सेम सिस्टम होगा ऐसे ही। तो बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है नहीं निकालूंगा फोटो, और तुमको नहीं मिलना है मत मिलो, कोई बात नहीं, नाराज मत हो मेरे से, मतलब प्यार से मनाता है तो फिर मान जाती है। उसके दोस्त लोग जब नेक्स्ट डे पूछते हैं कि भाभी ये फोटो कहाँ है दिखाना, तो बोलता है कि यार वो नाराज है, इसको फोटो निकलवाना पसंद नहीं है, तो वो और तुम लोग से मिलना भी नहीं चाहती है वो। तो दोस्त लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, वो हमसे नहीं मिलना चाहते, लेकिन हम तो मिल सकते हैं ना उनसे, मतलब इनका खुरापाती दिमाग लड़कों का, कि हम तो मिल सकते हैं ना, मतलब छुप छुप के देखेंगे। तो बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम लोग तो मिल ही सकते हो, कोई बात नहीं, आ जाना तुम लोग, आज रात में जब आएगी मुझसे मिलने तुम लोग मेरे घर के पीछे छुपे रहना, जब मैं दरवाजा खोलूंगा घुसने के लिए मेरे घर में आएगा तो उससे पहले तुम लोग देख लेना। बोलते हैं ठीक है डन। आज ये लोग जाते हैं उसके रूम के बाहर, छुप जाते हैं, और जब वो सोचते हैं कि अब टाइम हो रहा है आने का, वो 9 बजे रोज आते थे, रोज 9:30 के टाइम पे ही आती थी वो। तो जो बोलता था कि 9 बजे तक आ ही जाती है, वो बिल्कुल लेट नहीं होती है, तुम लोग छुप ही जाना। लड़की थी कि ट्रेन ट्रेन ही समझ लो, जो भी समझ लो। नहीं ट्रेन तो लेट हो जाती है। तो लड़की तभी टाइम पे आती थी। तो फिर इसीलिए तो क्या होता है कि वो लोग छुप जाते हैं, वो लोग 9:30-8:30 ही छुप जाते हैं जाके, कि हम पहले ही छुप जाएंगे, मिस नहीं करना चाहते भाभी को देखना। तो लड़के लोग छुपे रहते हैं उधर। उसके बाद बजता है 9, और वो टाइम पे जो करण था वो दरवाजा खोलता है, और दरवाजा खोल के यही 10 सेकंड के अंदर दरवाजा बंद भी कर लेता है, लेकिन इन लोगों को अंदर जाते हुए कोई दिखाई नहीं देता है। ये लोग सोचते हैं कि अभी दरवाजा खोला फिर दरवाजा बंद कर लिया, हमको कुछ दिखाई क्यों दे, फुकट में दरवाजा क्यों खोला था इसने। इनको लगा शायद चेक करने के लिए दरवाजा खोला होगा कि आई नहीं अभी तक, आई क्यों नहीं या आ तो नहीं गई। तो ये लोग सोचते हैं कि छोड़ यार, आधे घंटे और वेट करते, 9:30 तक वेट करते, इतना पेशेंस है इनके अंदर देखो। 9:30 तक लड़के लोग वहां पे वेट करते हैं, लेकिन भाभी दिखती नहीं है। तो वो लोग वहां से चले जाते हैं, और दूसरे दिन बहुत गुस्से में बात करते हैं उससे, तू ऐसा कैसे बोल दिया कि आएगी आएगी, हम लोग इतने टाइम तक 1.5 घंटे तक वहां पे बैठे रहे, छुपे रहे, आई नहीं भाभी। तो बोल रहे क्या बात कर रहे हो तुम, करण बोल रहे क्या बात कर रहे हो तुम लोग, वो तो आई थी, मैंने दरवाजा भी खोला, तुम लोगों ने देखा नहीं दरवाजा खोला था। तो ये लोग शॉक्ड कि मजाक कर रहा है ये, तो मैं समझ गया पूरा बात। ये सस्पेंस था। हाँ। वो लोग मतलब बिल्कुल शॉक्ड कि मतलब मजाक कर रहा है क्या, दरवाजा खोला था हमने देखे थे, लेकिन अंदर कोई एंटर नहीं किया था। हाँ। वो लोग बोलते नहीं यार अंदर कोई एंटर नहीं किया था। तो करण बोलते यार मजाक मत करो यार, तुम लोग कसम वसम देता है माँ बाप की, सबकी कसम खिलाता है दोस्तों से। बोलते माँ कसम भाई कोई नहीं घुसा था अंदर, तुम दरवाजा खोला था लेकिन अंदर कोई घुसा ही नहीं था। तो वो टेंशन में आ जाता है कि मैंने दरवाजा खोला था और प्रिया आई थी अंदर, लेकिन ये लोग बोल रहे नहीं आई थी, ये कैसे हो सकता है। वो थोड़ा टेंशन में आता, डर भी जाता है, सोचता है, बोलता है कि तुम लोग एक काम करो, आज तुम लोग मेरे घर के अंदर रहोगे, आज मैं आएगी मिलने के लिए उससे पहले तुम रहोगे, और मैं देखता हूँ वो आने के बाद तुम लोग को देख के गुस्सा करती है कि नहीं।
तो ठीक ये लोग ऐसा ही करते हैं, आज इसके घर में पहले ही जाके बैठ जाते हैं सब दोस्त लोग। और उसके बाद 9 बजता है 9 बजे दरवाजा खोलता है, वो लड़की इसकी नजर में एंटर करती है लेकिन उसकी उनकी नजर में नहीं दिख रही थी उन लोगों को, उन उसके दोस्तों को लड़की नहीं दिख रही थी, इसकी नजर में एंटर करती है और उसके बाद इसके दोस्तों को देख के बहुत ही गुस्से में चिल्लाती है। और जो गुस्से में चिल्लाती है उसके बाद उसका पूरा फेस चेंज हो जाता है, हुलिया बदल जाती है और खूबसूरत लड़के से बदसूरत लड़की बन जाती है और पूरे दोस्तों को भी दिखाई देती है। फिर दोस्त लोग समझ जाते हैं कि भाई ये तो गड़बड़ चल रहा था, चुड़ैल उड़ैल थी कोई, हाँ ये गड़बड़ चल रहा। दोस्त लोग इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वहां से पहली फुर्सत में भागते हैं, सब कुछ चप्पल चुप्पल सब छोड़ते हैं और भागते हैं स्पीड में, पीछे मुड़के नहीं देखते हैं। और जब इसकी शक्ल चेंज हुई थी उसके बाद करण भी देखता है, करण भी उनके पीछे भागता है और अपने दोस्तों के साथ उनके घर पे चला जाता है। ये लोग जाते हैं घर पे, बात करते हैं, बोलते हैं कि यार ये क्या हो रहा था, मतलब इतने टाइम से लगभग 1 महीने हो गए तू उस लड़की के साथ रह रहा था, उससे प्यार कर रहा था, तो रोज तरह से मिलने आती थी, मतलब ये कैसे हो सकता है, वो लड़की है ही नहीं, वो तो कोई आत्मा या चुड़ैल है। तो ये करण सदमे में, बिल्कुल सदमे में, किसी लड़के से इतना प्यार कर रहा है, वो रोज मिल रही है तो सदमे में तो जाएगा ही। लेकिन दोस्त लोग बोलते देख भाई तू वो रूम छोड़ दे, वो रूम छोड़ देगा तेरे लिए ज्यादा अच्छा है, और तू कुछ टाइम के लिए अपने गांव चले जा तो ज्यादा बेटर है, पता चले वो तेरे को हार्म ना कर दे, कभी दिखी तेरे को नुकसान पहुंचा दी, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। और इसके घर वाले, जब दोस्तों घर वाले जानते कि ऐसा हो रहा था इसके साथ करण के साथ, तो घर वाले बोलते हैं हाँ बेटा अपने गांव चले जाओ और वहां पे थोड़ा बहुत कुछ झाड़ फूक करवा लेना, कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी चीजें साथ नहीं छोड़ती इतनी जल्दी इतनी आसानी से। तो उसके बाद करण बोलता है हाँ ठीक है करूंगा, मैं जाऊंगा घर पे, उनके घर पे ही दोस्तों घर पे रुक जाता है रात में। लेकिन सुबह सुबह अपना सामान लेने के लिए उस कमरे में आता है कि मैं अपने गाँव जाऊंगा, और सामान लेने के लिए जब कमरे में जाता सब सामान समेट लेता है। लेकिन उसकी ना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती एक ये थी कि वो बिस्तर भी लेके जाता है वहां से, उसी बिस्तर में आके जहाँ जिस बिस्तर में लोग टाइम स्पेंड करते थे वो बिस्तर लेके चला जाता है। और जो लड़की थी वो बिस्तर के साथ उसके साथ उसके गांव चले जाती है करण के। उसके बाद उसको परेशान करना चालू कर देती है और कुछ ही दिनों में करण की मौत हो जाती है। उसको पोजेस कर ली, पोजेस कर ली थी, इतना परेशान करना चालू करती है कि करण की मौत हो जाती है। और ये जो दोस्त दूसरे गाँव उनको पता चलता है कि करण की मौत हो गई कुछ दिन के, 5-6 दिन के अंदर ही। मैं तो सोच रहा था ये एक भूत और इंसान की नॉर्मल लव स्टोरी, लव स्टोरी ही है, लेकिन अपने दुनिया में लेके चले गए ना वो। इस दुनिया से मार के करण को अपने दुनिया में लेके चले गए, सोचो स्कैरी थी यार। मतलब इतनी सिंपल स्टोरी, मतलब इतने अच्छे से प्यार से स्टार्ट होती है और एंड में जाके ऐसा कुछ हो जाता है, इतना गंदा टर्न। सोचो मतलब किसी लड़के से आप प्यार कर रहे हो, कोई आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको पता चलता है 1 महीने बाद कह रही है तो चुड़ैल है भाई, तो कैसा कैसा लगेगा आपको? वो इंसान ही नहीं ऐसा पता चला तो क्या होगा। इस दुनिया में किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कहानी से समझ में आ जाता है। खैर इस कहानी के जरिए आप लोगों को किसी भी तरह का मनोरंजन मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। और इसी तरह से कोई भी कहानी आप जो पूरी दुनिया को शेयर करना चाहते हैं लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।